भाइयों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये दूसरी बार चल रहा है आप काम, एक बार ये लगा के चले गए थे, थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बार के में इतनी इस तरह की मट्टी लग रही है, देख लो जी, खब्बा हाथ और शुद्ध हाथ दोनों। शुरू की बार में ट्रेंच लगा, बड़ी बात है भाइयों, कोई भी कृषि यंत्र नहीं है छोटे से अलग, देख लो तो सौरभ भाई से सीख लेनी चाहिए, वीडियो ऐसी नहीं बन रही है, ये देख लो गन्ना देख। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज अपने गांव में है और सौरभ भाई के खेत पे आया हूँ, ट्रेंच विधि द्वारा सारे गन्ने की बुआई करी भैया जी ने, और मिट्टी जो है भाइयों झोटे से चढ़ाई थी, पिछली दो वीडियो इनकी लगातार मैंने डाली थी, और उसके बाद में भाइयों जो इनका ये सबसे पहले इन्होंने ट्रेंच का गन्ना बोया था सरसों की कटाई के बाद का, इसकी मैंने जुताई की वीडियो बनाई थी, और आज खेत की कंडीशन ये है भाइयों, इसमें इनका झोटे से काम नहीं चल पाया क्योंकि धोरे टूट जाते सारे, ये देख लो आप। तो हमारे सौरभ भाई ने पूरी मेहनत कर रखी, हाँ सौरभ जो है फावड़े से मिट्टी चढ़ा रहा है इस टाइम, और दोनों साइड से जो है दोनों भाई लगे हुए हैं, ये देख लो एक करवट से एक, ये देखो जी बाकी के खेतों की तो सारी मिट्टी इन्होंने चढ़ा दी झोटे के द्वारा हल के द्वारा, बहुत तकड़ी मिट्टी चढ़ी उन खेतों में, और अब ये फावड़े से चल रहा काम, तो सौरभ भाई से मिलवाऊंगा आज आपको, यो खूड पूरा हो जाने दो पहले एक बार काम कर लेने दे भाई, सवेरे सवेरे का टाइम है, बता दे सौरभ से नु बात सांझ को होगी। तुझे पता नहीं क्या कह रहा है भाई, तुझे सबसे ज्यादा पता। तो भाई मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूं मिट्टी, ये देख लो जी फावड़े से इस तरह की मिट्टी चढ़ रही, एक बार के मारी है, दो बार के मैं चार बार मानो एक बार जाना फिर आना। तो भाइयों दो फेरे मार दिए इन्होंने, यो जो है खेत जो है देखो बिना जुता हुआ है, तो सौरभ इसमें मतलब झोटा नहीं मुड़ा था क्या? झोटा नहीं मुड़ा था भाई, तो और पे सब पे कैसा चढ़ाई फिर? और पे तो भाई झोटे से चढ़ा दी सारे पे, झोटे से यो रह गया, यो रह गया। अच्छा जैसे फावड़े से काम इसमें बिना जुताई के मतलब कैडा चल रहा काम? नहीं पहले तप्पड़ और था, अब तो बढ़िया छाप उठ रही इसमें एकदम, बारिश से पड़े से? हाँ बारिश नहीं, पानी भी दे दिया था। अच्छा पानी दे दिया था, हाँ। नरम नरम से ठारे, नरम नरम से। अच्छा अच्छा, और भाई वो भी दिखाई हो ही, वे फिर नु कहते पिछड़े पिछड़े हुए किसान है, नू है, वो है। पिछड़ा हुआ कमेंट करा था किसी ने? हाँ, 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 अच्छा अच्छा, तो भाइयों खेत देख लो पहले, पिछड़े पिछड़े की तो जरूरत नहीं है, बाकी की एक चीज है शुरू की बार में ट्रेंच लगा, बड़ी बात है भाइयों, कोई भी कृषि यंत्र नहीं है छोटे से अलग, देख लो भाई। तो सौरभ भाई से सीख लेनी चाहिए, वीडियो ऐसी नहीं बन रही है, ये देख लो गन्ना देखो भाइयों, सरसों की कटाई के बाद का गन्ना है, सरसों की कटाई के बाद ट्रेंच विधि 42 इंची का, 42 इंची, ठीक है जी। वे मेरे भाई खासकर देखे जो झोटा बुग्गी के शौकीन है और झोटे के द्वारा अपने गन्ने की खेती कर रहे, उनके लिए तो भाइयों बहुत अच्छा काम सौरभ भाई ने कर दिया, क्योंकि इस खेत में अगर झोटा मुड़ जाता तो इसमें भी मट्टी झोटे से चढ़ती, इतने बड़े गन्ने में। सौरभ भाई एक बात बताओ, जैसे ठाड़ा हो रहा गन्ना, कोई दिक्कत आ रही इस टाइम पर मट्टी? कोई दिक्कत भाई मस्त, हमने तो सोच लिया अगस्त में ही चढ़ा हुआ मट्टी अपना, इतना गंडा भी बेहतरीन हो जाए, इतना जुताई करो जा बराबर। हाँ 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 बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगा कि भाई हम लेट हो गए? कुछ नहीं भाई, हमें तो और फायदा लगा भाई, अब देख लो यार खेत भी जोत लो, वैसे ही देख लो जुताई का कितना महत्व हो खेत में। बिल्कुल बिल्कुल, जुताई है जो है, हाँ जुताई का बहुत फायदा यार, जुताई का काम अपना ही है। अब हमने कल चढ़ाई उसमें, परसों पहले वो जोतता, फिर कल उससे झोटे है 3 बीघे में एक कंटिन्यू एकदम मट्टी चढ़ाई। अच्छा अच्छा, वो तैयार कर दिया, बस 4 बीघे का रह गया, उसमें पानी दे रखा हो थोड़ा सा गिल्ला है। हाँ जी, तो भाइयों आज की वीडियो में इसलिए बना रहा सौरभ भाई का, एक घमों की कटाई के बाद का भी ट्रंच का खेत है, ऐसा करना फागण का खेत में भी मिलने का आपको, वो भी दिखाऊंगा मैं आज। और यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे, किस टाइम आ गए थे भाई? हम आ गए थे ऐसी 6:30 बजे जी, 6:30 बजे। और तो इसमें तो छाव ऐसे सवेरे के टाइम में तो बढ़िया चलता होगा काम? हाँ भाई, अरे भाई कमर पट जाए एकदम यार, छफावले धन्ने। अरे लम्बे लारों को क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत जो है जान से पट जाएगी, मौसम बेकार हो रहे। हाँ। थोड़ी सी एक काम कर लो इसे, हाँ भाई इसकी चौड़ाई बना लो। हाँ। ऐसा जैसा वो फावड़े सारी, हाँ। यो हम ये देखो भाई, और एक तो खेत में सफाई देख लो, कोई खरपतवार नहीं है, ब्यात बहुत शानदार हो रहा। और मैं जो हूँ सौरभ भाई का, वो घमों की कटाई वाला गन्ना और दिखाऊंगा। हाँ, तो कल मट्टी कल झोटे से चढ़ा दी इस पे? हाँ, झोटे से चढ़ा दी। एक बार आजा धोरे दिखाइए, धोरे पे कैसा कैसा खूड बोए थे भाइयों, ये तो फावड़े हो गए इनके, ये देख लो चौड़े मुँह के फावड़े ले। और
ये इन्होंने दो खूड बो रखे जी, ठीक है ना। इस समय जो है सामने का खूड खत्म हो जाता है क्योंकि गन्ने पड़ रहे दोबारा फूट के नहीं आने का। और ये इनका दो एक बीघे का भंडा है ना। हाँ भाई, दो एक बीघे का है तो इन्होंने अपनी हिम्मत कर ली दोनों भाई अपना। जो है दो दिन लग जाएंगे ज्यादा ज्यादा क्योंकि मिट्टी जो है जूता वाया नहीं है इसलिए इसमें दो दो बार चढ़ानी पड़ रही। तो सौरभ भाई एक बार चढ़ा के दिखाओ एक बार में कितनी मिट्टी आ रही। ये देखो भाइयों, एक जो है खब्बा हाथ चले और सौरभ भाई का चल रहा सीधा हाथ, रवि का चल रहा उल्टा हाथ सीधा। अच्छा इसका उल्टा, अच्छा सौरभ भाई जो है उल्टी तरफ से फावड़ा चला है बढ़िया। ये देख लो जी एक अकबर के फावड़े में ये स्थिति है। और देखो पत्ती वत्ती भी दाब रहे तो अपना तरकीब से ले रहे काम। गोल तो सुधे फोका चल रहा है काम तो बहुत। हाँ फोका चल रहा। तो भाइयों देखो अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और जो आदमी है घरों बैठे एक बोझ ले जाकर निहार का वे कुछ नहीं कर पाने के, फोन में कमेंट करेंगे बस। हाँ पिछड़ा रख ला यही बतावे। एक बात बताऊ मैं, यूट्यूब पे इतने दिन से वीडियो बना रहे कमेंट वो करेगा जो सबसे निकम्मा निकम्मी कमेंट करेगा वो। ना तो वो सीखे वीडियो से कुछ, ना नु सोचे कि मेहनत कर ले हम भी ऐसे ही कर ले काम। ये देख लो भाइयों गजब पूरी स्पीड से काम चल रहा। मैं इधर भी दिखा दू सीधे हाथ की तरफ से भी फावड़े से ऐसा चल रहा काम। और दूसरी बार के मैं पूरी बढ़िया सफाई आ रही ठीक है जी। हाँ दूसरी बार के मैं भी तो दिखानी, एक सेकंड भाइयों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा आपको। ये दूसरी बार चल रहा है काम, एक अकबर ये लगा के चले गए थे छोड़ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे। दूसरी बार के मैं इतनी इस तरह की मट्टी लग रही है देख लो जी, खब्बा हाथ और सुद्धा हाथ दोनों बराबर चल रही। तो भाइयों इतनी मट्टी में क्या होगा कि ये देख लो, अब ये मान लो कि गन्ने के अपने की बधाई कर रही है, बधाई की कोई आवश्यकता इस गन्ने की नहीं पड़ने की। लास्ट तक वीडियो गन्ना डलने तक दिखाई जाएगी क्योंकि अपने गांव का मामला। ये देख लो एवरेज भी दिखाऊंगे गन्ने का, 42 इंची पे क्या आया। और सौरभ भाई जो है हमारे ट्रेंच से खुश है। सौरभ एक सेकंड रुक दे भाई, मुझे ये बता अब अगर ट्रेंच लगाया जैसा है। हाँ भाई। और शादी विधि में जो था काम नहीं मट जाता पहले ही, मट नहीं मट जाता। हाँ अब का ऐसा ना लग रहा कहीं फंस गए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, अपने खेत में तो कर रहे भाई। हाँ बिल्कुल, दूसरा भी आकर नो देखा। एक हम डेली का काम है, जैसे हम सांझ को हम और काम कर रहे थे सुबह दी को। हाँ। सांझ को आकर हम 3 पे चढ़ा दी 2 पे चढ़ा दी। हाँ। तो रुक रुक कर देखे इनको, तुम तो बावले हो गए। अरे बावले कहाँ हो गए, अपना ही तो काम कर रहे हैं। हाँ बड़ा काम कर रहे, शरीर भी फिट रहेगा। हाँ एकदम। और एक चीज है बंधाई में ही तो मोड़ा बना है, गन्ना तो यहीं आके तो ट्रेंच में एवरेज घटा है। एक दिक्कत होगी थोड़ी सी, जो हम इनकी पत्ती से उतर जाती ना, पत्ती ना तारो पत्ती कोई दिक्कत नहीं, वैसे दिक्कत हाँ। नहीं है पर और भी बढ़िया हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये बिना बंधाई में रुकेगा गन्ना सारा, बिल्कुल 100%। ये तो हलने का मतलब ही नहीं था। तो हाँ बिल्कुल भाइयों, सौरभ भाई का मैं घमो का खेत दिखाऊंगा, ऐसा हमारे पूरे गाँव में नहीं है घमो का खेत किसी का भी। और ट्रेंच विधि से बोया था कुछ भाई, ये कह रहा है ना कि घमो की बुआई जो है ट्रेंच की नहीं करनी चाहिए, वो खेत की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा भाई। ऐसा हिसाब हो रहा उसका तो घिमो के का। हाँ। फागन का क्या मैं अग्गे, घिमो का मैं अग्गे। हाँ बराबर चल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।